हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो थर्ड पार्टी हमने रीडिंग करी थी उसका जो सेकंड पार्ट आप लोग मांग रहे थे और मैंने भी कहा था मैं लेके आऊँगी, आज मैं वो पार्ट आपके लिए लेके आई हूँ। देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी के आपके कनेक्शन से रिमूव होगी या नहीं होगी, क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में, किस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी अपने कनेक्शन में, यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये सब कुछ अब इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है। मैं प्रीवियस क्या हुआ है वो मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छे से समझनी है तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पार्ट वन जो हमने बनाया था, जो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा आप उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? और उसके बाद में इस रीडिंग को देखना। अगर जो लोग देख चुके हैं वो डायरेक्टली इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो हम थर्ड पार्टी की जो इंटेंशन वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, देख लेते हैं आपके कनेक्शन में अब क्या होने वाला है, ठीक है? सो आप अपने पर्सन का नाम दीजिए और अगर आपको थर्ड पार्टी का नाम पता है तो आप वो भी लीजिए। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी डिसीजन आएगा यूनिवर्स की तरफ से, जो भी आपके लिए आउटकम आएगा, मैं आपको एज इट इज़ बताऊंगी। कोई भी बात यहाँ पे आपसे छुपाई नहीं जाएगी, ठीक है? तो अपने माइंड को पूरा प्रिपेयर कर लो, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, एज इट इज़ बताऊंगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ एकदम से चीज़ें 100% भी एकदम से मैच करेंगी, कुछ बातें हो सकता है कि कुछ हद तक मैच करें, कुछ हद तक मैच ना करें, राइट? डिसीजन को आपके साथ में कोरिलेट होने में टाइम भी लग सकता है, एकदम से एकदम इंस्टेंट भी हो सकती हैं चीज़ें, इस तरह से आपके साथ में चीज़ें जाएंगी। तो अपने माइंड को मेकअप कर लीजिएगा, पूरा तैयार कर लें। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, प्लीज़ बताएं उस कनेक्शन का क्या होगा, क्या थर्ड पार्टी इनके पर्सन को छोड़ेगी, क्या थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्शन खत्म होगा। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं क्या होगा। हे मुरली मनोहर, प्लीज गाइड करो। टू ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, चैरियट। सभी राशियों के लिए है ये, सभी लोगों के लिए है ये। लोग मैं आपको बता दूं, जो लोग बोलते हैं ना मैम मैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग करो, ये आप लोगों के लिए भी है, सो डोंट वरी, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ के रीडिंग कर रही हूँ या फिर आपकी प्रॉब्लम मुझे पता नहीं है, सब पता है और मैं सबको कंसिडर करके ही रीडिंग कर रही हूँ। सो बस यूनिवर्स से जो भी है प्रेयर करो, राइट? सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी तो अभी चलेगी अभी आपके कनेक्शन में, ठीक है? इंस्टेंट तो ये ब्रेकअप नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इस कनेक्शन में जो थर्ड पार्टी है ना वो आपके पर्सन को छोड़ना ही नहीं चाहती, जबकि आपका पर्सन जो है मूव ऑन होना चाहता है, उसके मन में आ चुका है, उसके मन में ये विचार ये भाव आ चुके हैं कि उसी को इस कनेक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपका पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये हर पल इस उम्मीद में या फिर इस
तरह से आपकी तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे वो आपको पाने की मतलब आपसे रिश्ता सुधारने की, आपका पर्सन आपसे चाहत रखता है। और ये थर्ड पार्टी को पता चल रहा है, थर्ड पार्टी इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ, जब जब आपके पर्सन इनसे ये इस तरह की सिचुएशन को करते हैं, जैसे इनसे ब्रेकअप करना है या इनको समझाना है या फिर कहीं ना कहीं अपना जो मोह है उसको उससे निकलना, क्योंकि मोह है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बंधा हुआ है, जो दिखाई दे रहा है कि इस मोह के चक्कर में इन्होंने आपके पर्सन ने आपके साथ में जो कनेक्शन है कितना ख़राब कर लिया है। ठीक है, वो एक्चुअल में ना अपने इस तरह के रिलेशनशिप से अब वो भी सेटिस्फाई नहीं है बेसिकली। ठीक है, अब आपका पर्सन ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे बोलना होगा, जैसे कह सकते हैं किसी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण और या सेक्सुअल प्लेजर, इस तरह की एनर्जीज भी आपके कनेक्शन के बीच में मुझे नज़र आई है, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस एनर्जी में आपको बताया था। तो यहाँ पर अभी क्या नज़र आ रहा है कि आपका जो पर्सन है इससे कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहा है, उसको अब उस थर्ड पार्टी के साथ में जो कनेक्शन है वो वैसा वाला फील नहीं हो रहा है। पहले हुआ क्या था, बेसिकली वो एक कार्मिक कनेक्शन है आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, अब आपके पर्सन को जब कहते हैं ना कार्मिक चीज़ें, जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम की तरह महसूस होती है शुरुआती में, वो आपको बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगी, जैसे कि आत्मा का, जैसे कि हम कहते हैं ना आधा हिस्सा होता है ट्विन फ्लेम, तो वो अपनी तरफ खींचता है, आप ना चाहते हुए भी उससे मिलोगे, कनेक्ट हो जाओगे और उसके साथ में आपको एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड महसूस होगा, आप उसके बिना रह नहीं पाओगे, पाने की चाहत होगी, रोओगे तड़पोगे, रिलेशनशिप में बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ेगा फिर भी आप उसको पाना चाहोगे, जस्ट सेम लाइक दैट कार्मिक कनेक्शन। ठीक है, हाँ बाद में जाके इनके जो धाराएं हैं वो स्प्लिट होती हैं, इस तरह से अलग अलग बढ़ती हैं, लेकिन शुरुआत में पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि क्या आपका ये कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है। आपके पर्सन के साथ में भी ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने कार्मिक को अपना ट्विन फ्लेम माना है। बेसिकली आपके पर्सन कार्मिक या ट्विन फ्लेम पे बिलीव नहीं करते, वो जस्ट अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं, जिसकी तरफ झुकाव हुआ उसकी तरफ आपके पर्सन कहीं ना कहीं चले गए। और ये झुकाव ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को हुआ, उसने इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं किया था, ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी। लेकिन अभी क्या नज़र आ रहा है व्यूअर्स, इन फ्यूचर इनके कनेक्शन में क्या होगा, इनके कनेक्शन में ऐसा नज़र आ रहा है आपका पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, मूव ऑन करेगा। ठीक है, आपका पर्सन इस कनेक्शन से निकलेगा, उसको उसका मन एकदम उचाट खा जाएगा। ठीक है, उसको लगेगा यार बहुत बहुत बर्दाश्त कर रहा है, बहुत सफरिंग हो रही है, ये कनेक्शन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, इस कनेक्शन की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, उनका पूरा मान सम्मान सब दांव पे लग गया है, उनकी इमेज ख़राब हो गई है, उनका उनकी फैमिली ख़राब हो गई है। ठीक है, फैमिली वालों को बातें सुननी पड़ रही हैं, राइट, बच्चों के ऊपर, बच्चों के भविष्य के ऊपर बातें आ गई हैं। आपके पर्सन को ये सब कुछ महसूस हो जाएगा। आपका पर्सन आपके साथ में विवर्स मतलब बाद में जुड़ेगा, लेकिन पहले वो इससे डिटैचमेंट करेगा। आपका पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है, सेपरेशन डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये भाग्य का ही खेल है, चक्र है, जो यहाँ पे ओवरकम करवाएगा आपके पर्सन को। अभी चीज़ें आपको क्या नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल नेगेटिव है, आपका पर्सन आपका सुनता ही नहीं है, आपकी बात भी नहीं मानती है, नहीं मानता है, उसी के प्यार में है वो, उसको पाने की ज़िद कर रही है, वो कनेक्शन उसी के साथ में लेके चलने की ज़िद कर रही है, नहीं छोड़ पा रही, आप उसको समझा रहे हो, उसको समझ में भी आती है, फिर वो उसकी तरफ जाती है, उसके साथ में फिर से जुड़ जाती है, जुड़ जाता है ना, आप उसको समझाते हो लेकिन फिर भी वो उसका उससे उसके मुंह से नहीं निकल पा रहा व्यक्ति, उसको पता है वो गलत कर रही है, गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी एक जो कहते हैं ना क्रेविंग्स है वो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जोड़ती है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रही है, वो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से इनके बैकडोर में एंट्री लेता है, उनसे बात करता है या करती है और आपके पर्सन को परेशान करती है। ठीक है, वो ही नहीं छोड़ना चाहती बेसिकली, या नहीं छोड़ना चाहता जो थर्ड पार्टी है ना, वो ही नहीं छोड़ना चाहता है, उसको जम ही नहीं रहा है कि वो मतलब अपने आप को कन्वेंस कर सके कि वो किसी की लाइफ ख़राब कर रही है, किसी की फैमिली ख़राब कर रही है, किसी का रिश्ता ख़राब कर रही है, किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रही है। थर्ड पार्टी को इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी क्रेविंग से मतलब है, क्योंकि उसके लिए क्रेविंग आपका पर्सन जो फुलफ़िल कर रहा है, ये कर रही है। ठीक है, और वही क्रेविंग आपके पर्सन के मन में भी डाली जाती है, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो ये चीज़ें हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर सेपरेशन पक्का है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन पक्का है। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये होगा, आप लोगों की लाइफ में फिर से आप दोनों के बीच में चीज़ें संबंध बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये भी बोल सकते हो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर दो, फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये लोगों के लिए रियूनियन की रीडिंग आई है, यहाँ पे रियूनियन आया है, आप लोग रियूनियन नहीं चाहते तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो लोग रियूनियन चाहते हैं डेफिनेटली रियूनियन होगा। ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है व्यूवर्स, आपका पर्सन उसको कहीं ना कहीं
पीछे छोड़ देगा, उस व्यक्ति को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। देख रहे हो वो व्यक्ति फिर से इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं खड़े होकर बुला रही है, लेकिन आपका पर्सन उसे पीछे छोड़ाएगा, उसको धोखा देगा, डिच करेगा आपका पर्सन। वो यही सोच रही है कि आपका पर्सन उसके साथ में ऐसा कर रहा है, लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं कन्वेंस है कि आपका जो पर्सन है वो आपके पर्सन को वो जाने से रोक लेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके आप जो चाहते हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो वही होगा, क्योंकि आपने जो सोचा है ना व्यूवर्स, वही चीज़ें आपके पर्सन आपके लिए करेंगे, वो आपको देंगे जो आप चाहोगे। तो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन का होना बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैंने बोला जो लोग रियूनियन नहीं चाहते रीडिंग स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जैसा सोच रहे हो, जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस तरह से अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहे हो, आने वाले समय में जैसे यूनिवर्स से मांग रहे हो, दे विल ऑफर यू, राइट। तो ये आपके लिए नज़र आ रहा है कि वो डेफिनेटली आपको ऑफर होने वाला है, एज पर दिस कार्ड एनर्जी यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रही है। तो न्यू मून एनर्जी आप लोग के लिए बहुत अच्छी है। मैं बोलूँगी आपको एक बात, अब न्यू मून से लेके, ठीक है, पूर्णिमा तक, सावन की जो पूर्णिमा आती है ना, उस तक डेफिनेटली 15 दिन लगातार मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। जो भी मैनिफेस्टेशन करो प्योर हार्ट से करो, बहुत, अगर एक बार भी, अगर कहते हैं ना, डॉट मारते रहो कार्ड पे, वो देखा है यूं करके टिक कर टिक करते हम लोग, है ना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जाके एक टिक लग ही जाता है सेंटर में। आप मैनिफेस्टेशन 15 दिन लगातार करोगे ना, अगर एक बार भी पावरफुल मैनिफेस्टेशन हो गई, एक बार भी सही जगह जाके मैनिफेस्टेशन लग गई आपकी, तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। तो ये मत समझना कि मेरी मैनिफेस्टेशन मैं इतने दिन से कर रही हूँ नहीं बन रही, यानी आपकी मैनिफेस्टेशन सही जगह नहीं लग रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन है ना सही जगह जाके पिन नहीं कर रही है। तो रिलैक्स होके करो, सब चीज़ों को भूल जाओ, डर अपने मन से निकाल दो, करो लगातार, राइट। कभी भी टाइम निकालो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ हर समय ये सब चीज़ें सोचो, जिस वक्त भी करो पूरे अलर्टनेस के साथ में करो, बाकी सारे से डर, चिंताओं, परेशानियों को भूल जाओ, फिर उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन जब भी फोकस होके करोगे ना, अगर एक बार भी शॉर्ट लग गया आपका, मैं यहाँ पे शॉर्ट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये यूनिवर्स तक जाती है एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई तो आपको विद इन 15 डेज ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी, येस, विद इन 15 डेज आपकी लाइफ में ये सर्किल कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है, आपका पर्सन डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक भी चैरियट आ रहा है, तो चैरियट यहाँ पे क्या आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। दे विल चूज़ यू, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 7-7 नंबर 3 बार आया है, 7-7-7, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति तो लाइफ से जाएगा ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन आपका पर्सन आपके साथ में रियूनियन कर रहा है, तो ये आप हो सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस बात पर बिलीव करो, राइट, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करो। लास्ट में कुछ आपके लिए और मैसेज लूँगी यूनिवर्स की तरफ से, सो इन गाइडेंस को जरूर फॉलो करना जो भी आपके लिए आए, ठीक है, इनको अवॉइड मत करना। प्लीज़ डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इनके लिए, आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो इनको ये फॉलो करें या उन पर फोकस करें? सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प अस। रिफ्लेक्शन, आपकी एनर्जी व्यूवर्स इस समय पता है क्या है, मिरर हो रही है। शायद सुबह भी मैंने आपको यही बात बताई थी, मिरर जो लव वाइब्रेशन को लेके मैंने आपको सुझाव दिए थे ना, आप उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर भी वही एनर्जी आपके लिए बोल रही है, फर्स्ट चेंज योर माइंड देन चेंज योर वर्ल्ड। अपना माइंड पहले चेंज करो, जैसे ही आप अपना माइंड चेंज करोगे आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है, पहले अपनी अंदर से क्लींजिंग करो, यानी आप क्लींज नहीं हो, आपके अंदर नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट भरे पड़े हैं, आपके अंदर एनर्जी रिसीव करने की पावर नहीं है। वीवर्स, जिन लोगों का भी रियूनियन नहीं हुआ है आपके पर्सन के साथ में, इवन दो योर पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू रियूनियन विद यू, तो मैं आपको बता दूं, वो जो आपसे जुड़ना चाहता है क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि आप एनर्जी रिसीव ही नहीं करने की स्थिति में हो। आपको अपनी पहले क्लिंजिंग करनी होगी, आपको पहले खुद को इस लायक बनाना होगा कि आपको जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहा है वो आप उसको रिसीव कर सको। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आप हाथ जोड़ के ऐसे करके बंद करके पड़े हो, क्या रिसीव कर पाओगे? डालो, अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे पानी डालूँ आपके हाथों में, ठहरेगा नहीं। ऐसे कर लो, रिसीवेबल मोड में आ जाओ बेसिकली, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आप ऐसे करके हाथ रख रहे हो, ऐसे करके मत रखो उसको, ऐसे करो, मतलब रिसीविंग एनर्जी में आना है आपको। रिसीविंग एनर्जी में कब आएगा? जब आपका हाथ भी तो खाली होने चाहिए, आप अपने हाथों में पहले से कुछ भरे हुए हो, इसका मतलब, ठीक है, आपने अंदर कुछ भर रखा है, उसको क्लींस करो, खाली कर दो, सब कुछ क्लींस कर दो,
आपको अपनी क्लिंजिंग करनी होगी वीवर्स, आपको सच में क्लिंजिंग की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब आपके आसपास या तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, या नेगेटिव थॉट आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, या फिर आप अपने आप को कन्वेंस ही नहीं कर पा रहे कि आपको ये सब कुछ मिल भी सकता है। आप बोल तो रहे हो, जाप कर रहे हो, लेकिन जाप करने का भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अपने आप को क्लोज कर रखा है। आप क्लोज एंडेड मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो काम नहीं करेगी, वो नहीं होगा, इस तरीके से काम नहीं बनेगा। ओपन अप करो पहले अपने आप को, खाली कर लो बर्तन अपना, फिर भरो उसके अंदर, ठीक है? तो क्लींजिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। एंड आपके लिए और क्या है यहाँ पे? मेडिटेट करो, क्लींज करने के लिए आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, जहाँ पर आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने आप को भर भी सकते हैं और खाली भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये यही एक कार्ड आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और बॉटम की एनर्जी आ रही है सीड ऑफ अबंडेंस। तो आपको सबसे पहले आप अपने आप को क्लींस करें, क्लींस करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मेडिटेशन भी कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, तो भी आप क्लींस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है? तो अभी आपको अपने मेडिटेशन की जो क्रिया है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जैसे ही आपकी ये क्लींजिंग हो जाएगी, आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है वो आ जाएगी, तो आपका रियूनियन तो यहाँ पे मुझे पक्का ही पक्का नज़र आ रहा है। सो डोंट वरी, ठीक है? लेकिन तब होगा जब आपको ये मेथड आप अप्लाई करोगे जो मैं आपको बता रही हूँ। सो लेसली आपके लिए और क्या है यहाँ पे? आपके लिए और क्या एडवाइस और गाइडेंस और आउटकम है? डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। डिवाइन प्लीज हेल्प अस। ट्री विजडम, ठीक है? आपको हो सकता है व्यूअर्स, या तो म्यूजिक आपको काफी मदद कर सकता है अपने नेगेटिव थॉट के ऊपर वर्क करने में, नेगेटिव एनर्जी पर वर्क करने में, ठीक है? या फिर आप एक बार, आपने कभी सोचा वो जो ट्री को हक करने वाली, जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है, ट्री को हक करते हैं, उनको हम बताते हैं अपनी सिचुएशन, आप पेड़ पौधों से बातें करना स्टार्ट करो, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। मुझे इसके थ्रू वैसा नज़र आया, जैसे कि आपसे, आप हो सकता है कुछ मेरी तरह जो मतलब पेड़ पौधों से बातें करते हो, तो अगर आप ऐसा करते हो काफ़ी अच्छा है, आप ऐसा और भी करो, स्टार्ट कर दो। अगर आप नहीं करते तो उनसे बात करो, उनसे उनसे अपनी सिचुएशन को कहो, उनके उनकी कुछ सुनने की कोशिश करो, आपको बहुत सारी गाइडेंस उसके थ्रू भी मिलेगी, ठीक है? एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, लाइफ एनर्जी, यस, सन एनर्जी लो, आपके लिए ये भी आ रहा है। सन एनर्जी लो, सुबह जल्दी उठो, नहीं उठते हो तो, अगर उठते भी हो तो सन एनर्जी लो, यानी सारे काम बाद में करो, पहले सन एनर्जी ले लो। 10-15 मिनट जाके सन में बैठा करो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, जस्ट उनको फील करा करो उस एनर्जी को। सन एनर्जी लो, काफ़ी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। ये भी एक तरह का अच्छा सोर्स है आपके लिए, या तो आप पेड़ पौधों से कनेक्ट हो जाएं या सन से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है? इससे भी आपकी बहुत अच्छे से क्लिंजिंग हो जाएगी। तो क्लिंजिंग के लिए ये दो मेथड आपके लिए आए हैं, तीन आए हैं बल्कि, मेडिटेशन भी आया है। तो ये आपके लिए तीन मेथड हैं, आप अप्लाई करो, लाइफ आपकी खुशियों से भर जाएगी, ठीक है? सो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग, और इसे क्लेम ज़रूर करें, एनर्जी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग अगर अभी भी आप चाहते हैं तो रीडिंग में दिए हुए नंबर पर आप अप्रोच करके बुक करवा सकते हैं, ठीक है? फॉर रेमेडीज और रिचुअल वगैरह उनके लिए, राइट? तो ये थी रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर।